করবেন তো দাদা, বাংলা আছে? হ্যাঁ বাংলা আছে। देखिए बहुत ईजी है इमाम हुसैन को समझना, बहुत आसान है। आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं सब किसी न किसी परेशानी के साथ आए है ना, और परेशानी जब होती है ज़िंदगी में तो कोई भी आके तो अच्छी बात बोलता बहुत अच्छा लगता है कि नहीं। हम लोग यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि ताकि आप लोगों को बताएं कि देखिए हम लोग के लाइफ में कोई मुश्किल नहीं है, ये जो भी हम लोग को फेस करना है ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ये मालूम है। लेकिन इमाम हुसैन जो फेस किए करबला में, जो कुछ भी इमाम हुसैन के साथ करबला में हुआ उसको ज़रूर जानिए कि क्या हुआ और उन्होंने कैसे किया वो सरेंडर। जब हम लोग उसको पढ़ते हैं और समझते हैं ना तो हम लोग को बहुत फ़ायदा होता है दुनिया में ज़िंदगी गुजारने में। हम लोग को समझ में आता है कि कभी हम लोग की ज़िंदगी में ऐसा कुछ आया तो हम लोग को क्या करना है। और उन्होंने वहाँ पर बस एक ही चीज़ बताया कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए ना वहाँ पर सब्र करो, बर्दाश्त करो, अपने आप को कंट्रोल में रखो। अगर तुम कंट्रोल में रखोगे अपने आप को तो सब एक दिन अच्छा हो जाएगा। और आज देखिए 1400 साल हो गया इमाम हुसैन को इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आज भी उनका नाम यहाँ पर है इसलिए क्योंकि जब मुश्किल वक्त आया तो वो सब्र किए, कंट्रोल किए। तो सिर्फ यही, सिर्फ ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में बस यही एक चीज़ है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है कि जो हम लोग अगर उसको पढ़ें और समझें उनकी लाइफ को तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम लोगों ने जब उनको रीड किया तो हम लोगों की लाइफ यकीनन हम लोग को फ़ायदा हुआ, हम लोग समझने लगे कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजारना है दुनिया में। आप लोग भी अगर उनको रीड कीजिएगा तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी उन्हें पढ़िए, उनके बारे में जानिए कि इमाम हुसैन ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी थी। इंसानियत बस वही है कि जो हम उतने दूर से चल करके आपके पास आए हैं, हम आपकी तकलीफ़ समझ रहे हैं, हम चल करके आए, आप हमारी बात सुन रहे हैं, आप हमारे लिए टाइम दे रहे हैं, यही इंसानियत है, एक दूसरे के लिए सोचना। इमाम हुसैन ने करबला में अपने लिए कुछ भी नहीं किया, जो भी किया वो हम ही लोगों के लिए किया, क्योंकि एक जानवर था जो इंसान की शक्ल का था लेकिन वो अंदर से पूरा जानवर था। वो माँ को माँ नहीं समझता था, बहन को बहन नहीं समझता था, खाला को खाला नहीं समझता था। तो ऐसे इंसान को जो चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ था, वो अपने आप को दिखा रहा था हम बहुत अच्छे हैं, उसको जाहिर कर दिया उन्होंने, उसको सामने लाया कि देखो ये जो तुम समझ रहे हो कि बहुत अच्छा इंसान, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बहुत गलत इंसान है। और उसी के लिए उन्होंने करबला का रास्ता इख्तियार किया। वहाँ गए, उनको मालूम था कि हम यजीद के ख़िलाफ़ जाएंगे तो हमको मार देगा वो, लेकिन वो ये जानते थे कि अगर हमको मारेगा तो सारे दुनिया का इंसान ये बात समझ जाएगा कि यजीद अच्छा इंसान नहीं है, क्योंकि जो हुसैन को मारते वो अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हुसैन इंसानियत के लिए लड़े और वो इस तरीके से लड़े कि आज हमारे जो बापू हैं गांधी जी, जिनको हम लोग अपना बापू कहते हैं, जो हम लोगों को आज़ादी दिलाया, आज हम लोग आसानी से बैठे हुए, हम लोग किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, किसी के नौकर नहीं हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग को बापू ने आज़ादी दिलाई अंग्रेज़ों से। तो बापू क्या कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि अगर हुसैन जैसे साथी मुझे अगर मिले होते ना तो मैं एक दिन में जंग जीत जाता अंग्रेज़ों से। और ख़ास करके जो लोग जीते हैं, जिनके दिल में सीने में दिल है, दुख का दर्द रखते हैं, किसी के तकलीफ देखते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं होता है, आंखों में आंसू आ जाता है, ऐसे इंसान के लिए इमाम हुसैन बने हैं। और यकीनन आप तो औरतें हैं, आप तो बेहतर तरीके से जानती, क्योंकि आप बच्चों को पालती हैं, आपको ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने आप लोगों के अंदर ताकत दी है कि आप बच्चों को पालती हैं, यानी वो काम जो गॉड का है, अल्लाह का है, ईश्वर का है, वो काम आपको अल्लाह ने दे रखा है कि आप कीजिए। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि इंसान का दर्द क्या हो सकता है। तो सोचिए कि वो हुसैन के जो अपने बच्चे को, 6 महीने का उनका बच्चा था, वो लेके गए थे, बोले थे कि 3 दिन से मेरा बच्चा प्यासा है, इसे पानी पिला दो, लेकिन यजीद ने पानी नहीं पिलाया, उसको तीर मार कर शहीद कर दिया, उसको कत्ल कर दिया 6 महीने के बच्चे को। उस पर भी इमाम हुसैन कुछ नहीं बोले, ये सिर्फ इतना बोले वो कि देखो ये जो तुम लोग कर रहे हो ये गलत है, ये सही नहीं है, इस तरीके से जो तुम कर रहे हो इससे सिर्फ और सिर्फ इंसानियत ख़त्म होगी, ह्यूमैनिटी ख़त्म होगी। और उसी को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने आखिरकार अपनी भी कुर्बानी दे दी कि लो अगर तुम मेरी कुर्बानी से खुश हो जाते हो
और तुमको लगता है कि हाँ मेरी कुर्बानी के बाद से तुम रुक जाओगे, तुम किसी को जुल्म नहीं करोगे तो मुझे कत्ल करो। फिर इमाम हुसैन के साथ 72 लोग जो है शहीद हुए थे, इंक्लूडिंग इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जो थे उनके साथ यानी 71 लोग जो है वो शहीद हुए थे। उन 71 लोगों में आप ये मत समझिए कि सिर्फ मुसलमान थे, उसमें क्रिश्चियन भी थे, उसमें ज्यूइश भी थे, यहूदी, उसमें हिंदू भी गए थे, उसमें हर मज़हब के लोग थे। यानी वहाँ जंग मज़हब का नहीं था, वहाँ पे जंग था तो वो इंसानियत की जंग थी जी। यहाँ से हिंदुस्तान से हमारे राहिब दत्त गए थे, दत्त फैमिली आप लोग जानते हैं, संजय दत्त है ना, सुनील दत्त, इन लोगों को जानते हैं ना, ये वही है, ये वही नस्ल है, ये वही फैमिली है कि जो इमाम हुसैन की मदद को गई थी। इनके पूर्वज गए थे इमाम हुसैन की मदद करने के लिए, राहिब दत्त के साथ उनकी फौज गई थी। लेकिन जब वो करबला पहुँचे तो उनको पता चला कि हुसैन शहीद कर दिए गए। तो सोचिए, हुसैन के शहीद कर देने पर वो वापस अपने घर नहीं आए, बल्कि वो आकर के लाहौर में रुक गए, जो पाकिस्तान में इस वक्त है। अब वो सब जो है बिखर गए हैं पूरे हिंदुस्तान में, वगरना वो लोग उस वक्त लाहौर में रहते तो वो लोग वापस आए, अपने घर तक नहीं गए, इस शर्म से कि हम इमाम हुसैन को बचा नहीं सके। तो सोचिए, हुसैन की अहमियत सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में है, हुसैन की अहमियत हिंदुओं में भी है, क्रिश्चियन में भी है। आप जाइएगा जहाँ उनका मज़ार बना हुआ है, जहाँ उनका कब्र है, वहाँ पर आप जाइएगा, आप देखिएगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं आते हैं, वहाँ क्रिश्चियन भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, हिंदू भी जाते हैं, हर एक मज़हब के लोग जाते हैं। इसीलिए कहा गया कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। ठीक है, तो हम लोग का मेन मकसद है कि ह्यूमिनिटी, जो इंसानियत के ऊपर में हुसैन ने क्या कहा था, ठीक है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, करीम ने, ठीक है, उसके ऊपर में हम लोग ऑलरेडी पूरा ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे भाई, क्योंकि हुसैन कौन है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का मेन मकसद है कि ह्यूमिनिटी, जो इंसानियत के ऊपर में हुसैन ने क्या कहा था, ठीक है, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंडसन इमाम हुसैन, जिनको 1400 साल पहले करबला में शहीद कर दिया गया पूरे फैमिली के साथ, सिर्फ वो 72 लोगों को लेकर के करबला के मैदान में गए थे और जाकर के लाखों के लश्कर के सामने उन्होंने देंगे। क्यों? क्योंकि इंसानियत को बचाना, क्योंकि इमाम हुसैन के सामने में जो आया था अगेंस्ट में, वो सब वो उसका कहना ये था कि माँ बहन भाई बहन कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। ये आप इसको पढ़िए सर, उन्हीं की याद में हम about Gandhi ji, because whatever the word he said, that is the following of तो उन्होंने अपने साथी से कहा कि अगर किसी के हाथ से तलवार गिर जाए उसके ऊपर अटैक नहीं करना, कोई अगर जख्मी हो गया तो उसके ऊपर अटैक नहीं करना, कोई अगर गिर गया है तो उसके ऊपर अटैक मत करना, कोई अगर भाग रहा है तो उस पर अटैक मत करना, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि अब वो तुम पर अटैक नहीं कर रहा, तुम सिर्फ डिफेंस करना, किसी के ऊपर अटैक नहीं करना। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में हमको बताया। लेकिन बाद में जो लोग इस्लाम में आए धीरे धीरे करके, उन लोगों ने इस्लाम को सही से समझा नहीं, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज इस्लाम जो है वो दहशतगर्दी के तौर पर पहचाना जाता है। और लेकिन जब आप इमाम हुसैन को रीड कीजिएगा ना, आपको समझ में आएगा नहीं, इस्लाम तो बहुत अलग है, जो है एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद सोचिए, जिस वक्त इमाम हुसैन को घेर के जो वो लेकर के आ रही थी फौज, जो उसके अंगेज थी, वो रास्ते में, चूँकि वहाँ पर डिज़र्ट एरिया है तो डिज़र्ट में तो बहुत जल्दी प्यास लग जाती है, तो जो इमाम हुसैन अपने लिए पानी लेकर के आए थे वो पानी उनको पिला दिए, मतलब किसको, दुश्मन फौज को, तो आप पी लो। समाज के तबके को उनके त्याग को समझना चाहिए, हाँ ठीक है, उनके कर्मों पे चलना चाहिए, बस अनुसरण करना चाहिए। आप यकीन कीजिए, वो किसी भी धर्म में हो, ऐसे महापुरुष भी हों, सिखों में देख लीजिए, हिंदुओं में देख लीजिए, हमारे सर्व समाज जो भी अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, नो डाउट किसी भी धर्म के ऊपर किसी को कोई कटाक्ष करने का अधिकार नहीं है ठीक है, लेकिन समझना सबको चाहिए, और सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत है, उससे बड़ा किसी भी धर्म का। एकदम एकदम सही कहा आपने, सही कहा। एक चीज़ और बताता हूँ, आप लोग समय मतलब आप लोग भी हैरत में पड़ जाइएगा, 71 लोग जो है वो इमाम हुसैन के साथ जो है शहीद हुए। आप जानिए, यकीन कीजिएगा, 71 लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं थे, उसके अंदर क्रिश्चियन भी थे, ज्यूइश भी थे,
हिंदू भी गए थे यहाँ से, आप सब जानते होंगे राहिब दत्त, दत्त फैमिली जो है वही है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला में गए थे उनकी तरफ से फ़ाइट कर रहे हैं। मतलब क्या है, यानी फ़ौज में हर तरह के लोग होना इस बात की पहचान है ना कि इमाम हुसैन किसी एक मकसद के लिए नहीं गए, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी थी। और उसी के लिए एक चीज़ मैं और करना चाहूँगा, जी जी बिल्कुल, किसी भी कौम में या फिर धर्म में या फिर मजहब में जो भी है, किसी को भी थोड़ी सी भी अगर तकलीफ हुई हो, वो अगर खड़ा ना हुआ, उससे अच्छा उसका मर जाना। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने, ठीक है। जुल्म किसी भी धर्म में हो खड़ा होना चाहिए, और उस पर जुल्म इंसानियत के प्रति नहीं। अगर उसके साथ व्यक्तिगत कुछ फॉल्ट हुआ हो, चाहे मतलब उसको कोई ठेस पहुंची हो, जैसे आपने कहा कि नहीं उनके 6 माह के बच्चे को या फिर जो भी था 6 मंथ को ठेस लगी, लेकिन वो ठेस लगने से भी वो परे थे, वो काफ़ी महान रहे होंगे कि उन्होंने ऐसी वाणी प्रदर्शित की, उन्होंने ऐसा वक्तव्य बोल दिया। आज के समय में अगर मैं आपको हिट करूंगा, आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हो सके आप कर लें, लेकिन आज के समय में कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सही है, तभी बर्दाश्त करेगा जब मैं आपसे बिल्कुल छोटा हूं, मैं आपसे लड़ नहीं पाऊं। जैसे आपने कहा ना कि वो भाग रहे थे तो उनको छोड़ दो। सही बात, वेरी गुड, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम राजीव पांडे, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत। Yes, I'm done. Thank you for having me again. My name is Sufyan. Yeah, thank you, Sufyan. It's so nice to meet you. I hope you read out and we have to share the message of the effort. Yeah, thank you.